श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। सभी सभासद तो उपस्थित हैं, किंतु पवन पुत्र हनुमान कहीं दिख नहीं रहे। जय श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। हनुमान की भक्ति निराली, सिंदूर से सब देह रंग डाली। दिया प्रीत का प्रगट प्रमाण, सजल नयन हो गए श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। क्या महाबली, आज ये कैसा स्वरूप धारण किया है आपने? आपकी प्रसन्नता के लिए प्रभु। मेरी प्रसन्नता के लिए? आपसे ये किसने कहा कि मैं किसी विशेष रूप से प्रसन्न होता हूं, और वो भी इस रूप से? ये ज्ञान तो मुझे स्वयं माता सीता से मिला है प्रभु। जानकी से? जानकी ने आपसे ऐसा क्यों कहा और कब कहा? आज प्रातः काल संध्या वंदन के पश्चात जब मैं माता सीता से प्रसाद पाने गया। प्रणाम माते, भूख लगी है, प्रसाद दे माते। हाँ पुत्र, कनिक ठहरो। माते, एक प्रश्न पूछूं? महाज्ञानी हनुमान हमसे कुछ जानना चाहते हैं, अवश्य पूछिए अंजना नंदन। माते, इस दिव्या के ना खुलने से आप इतनी व्याकुल हो गईं और मिलते ही सदा की भांति प्रसन्न हो गईं। माते, ये तो स्त्रियों का रहस्य है पुत्र, तुम्हें कैसे बता दूं? अच्छा अच्छा, उदास मत हो। देखो, इसे सिंदूर कहते हैं आंजने। इससे क्या होता है माते? क्या होता है? आप भी भोलेनाथ की तरह भोले हैं हनुमान। अच्छा सुनो, संसार की हर स्त्री अपने स्वामी के लंबी जीवन के मंगल कामना के लिए अपने मांग में सिंदूर धारण करती है।
और मैं भी इसीलिए सिंदूर लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके स्वामी दीर्घायु होते हैं। और वे सदैव मुझसे प्रसन्न रहते हैं। इसे लगाने से प्रभु दीर्घायु होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं माते? हाँ पुत्र, वे प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद माते, आज्ञा दीजिए। अरे हनुमान, तनिक सुनो तो पुत्र। इसलिए मैंने भी सिंदूर लगा लिया प्रभु। किंतु हनुमान, जानकी तो चुटकी पर सिंदूर लगाती है, परंतु आपने तो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा रिक्त नहीं छोड़ा। मैंने सोचा प्रभु, केवल चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप दीर्घायु हो जाते हैं, तो यदि मैं संपूर्ण देह पे सिंदूर लगा लूं, तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे और पृथ्वी छोड़ के कभी भी अपने धाम नहीं जाएंगे। प्रभु, सदैव हम भक्तों के पास ही रहेंगे। प्रभु, हृदय की